चिंकू जॉन, रात अब ज्यादा हो गई है, हमें अब घर निकल जाना चाहिए। कल आकर हम दोबारा क्रिसमस का मेला देख लेंगे। हाँ टिंचू, अब हमें निकल ही जाना चाहिए। टिंचू, सिंचू और जॉन अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में एक तालाब आता है जहाँ से वो निकल ही रहे थे कि तभी जॉन का पैर फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाता है। टिंचू, जॉन को तैरना आता है फिर भी वो डूबता जा रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें अब जॉन को बचाने के लिए तालाब में कूदना ही पड़ेगा। टिंचू के कहने के बाद टिंचू और चिंकू दोनों तालाब में कूद जाते हैं। जॉन के साथ साथ टिंचू और चिंकू भी डूबने लगते हैं। उनके डूबते ही तालाब का कलर हरा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि टिंचू, चिंकू और जॉन तीनों दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। चिंकू जॉन, ये हम कहाँ आ गए? मुझे तो लगता है ये दूसरी दुनिया है जिसकी कहानी दादाजी हमें बचपन में सुनाते थे, वही वाली कहानी जिसमें मिस्टर मीट और मॉन्स्टर इंसानों को मार देते हैं और फिर उनका खून पीते हैं। तभी वहाँ से मिस्टर मीट और मॉन्स्टर गुजरते हैं, जिसे देखकर ये तीनों एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और मिस्टर मीट और मॉन्स्टर को देखते रहते हैं। टिंचू जॉन, आज तो हम बाल बाल बच गए। आज तो हम बेशक बच गए, लेकिन ये मॉन्स्टर और मिस्टर मीट हमें कभी नहीं कभी तो पकड़ ही लेंगे। टिंचू, सिंचू और जॉन अब बहुत थक चुके थे और तीनों को अब नींद भी आ रही होती है। तीनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम तीनों में से दो जने सोएंगे और एक बंदा पहरा देगा ताकि मिस्टर मीट उनको ना पकड़ ले। जॉन, तुम पहला पहरा देना, मैं और चिंकू आज सोएंगे। ठीक है टिंचू, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं जागकर पहरा देता हूँ। टिंचू और सिंचू बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। थके होने के कारण जॉन को भी बहुत नींद आ रही होती है, लेकिन जॉन पहरा देते रहता है। अचानक पहरा देते देते उसकी आँख लग जाती है और वो भी सो जाता है। अब तीनों सो चुके थे और आसपास भी कोई भी नहीं था। तभी वहाँ से मिस्टर मीट और मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो टिंचू, सिंचू और जॉन को मरा हुआ समझते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। चलते चलते वो अपनी गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही कई जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। मॉन्स्टर टिंचू, सिंचू और जॉन को रस्सी से बांध देते हैं और अपना अगला शिकार करने चले जाते हैं। तभी हम दूसरी दुनिया में देखते हैं जहां सेंटा सभी बच्चों को गिफ्ट बांट रहा होता है। ले लो बच्चों, हा हा हा, ले लो गिफ्ट। आज सभी बच्चों के मुंह पर मुस्कान आएगी और कोई भी बच्चा उदास नहीं रहेगा, हा हा हा। सांता जब सभी बच्चों को गिफ्ट बांटकर टिंचू, सिंचू और जॉन के घर उन्हें गिफ्ट देने जाता है, तो वहाँ टिंचू, सिंचू और जॉन सांता को नहीं मिलते। इतनी रात को बच्चे कहाँ चले गए? लगता है मुझे बाबा से पूछना होगा। सांता बाबा के पास आ जाते हैं। बाबा, आपने टिंचू, सिंचू और जॉन को कहीं देखा है? वह अपने घर में तो नहीं है? इतनी रात में टिंचू, सिंचू और जॉन का घर पे ना होना, इसका मतलब वो किसी मुसीबत में है। सांता और बाबा टिंचू, सिंचू और जॉन को ढूंढने चले जाते हैं, जहां उन्हें भी वही तालाब दिखता है जिसका कलर हरा था। ये कैसा तालाब है जिसका पानी हरा है? लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं अभी इसका टेस्ट पता करके बताता हूँ कि कैसे हरा हुआ। सांता जैसे ही उस पानी को टेस्ट करता है, उसे अपने जादू से पानी का राज पता चल जाता है। बाबा, ये तालाब कोई आम तालाब नहीं है, इस तालाब में अगर कोई डूबता है तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। मुझे तो लगता है टिंचू, सिंचू और जॉन भी शायद इसी पानी में गिर गए होंगे और दूसरी दुनिया में पहुँच गए होंगे। हमें उन्हें बचाने के लिए दूसरी दुनिया में जाना ही पड़ेगा। सांता और बाबा तालाब में कूद जाते हैं और वो भी डूबने लगते हैं। कुछ समय बाद वो दूसरी दुनिया में उसी पत्थर के पास पहुंच जाते हैं जहां टिंचू, सिंचू और जॉन सोए हुए थे। तो यही है दूसरी दुनिया, ये कितनी शांत है।
इतनी बड़ी दुनिया में हम टिंचू सिंचू और जोन को कहाँ ढूंढेंगे। तभी सांता को वहाँ किसी के घिसटने के निशान दिखते हैं। ये लगता है टिंचू सिंचू और जॉन के ही निशान है। हमें इस निशान का पीछा कर वहाँ तक पहुँचना होगा जहाँ टिंचू सिंचू और जॉन है। चलो सांता। सांता और बाबा उस निशान का पीछा करते करते उस गुफा तक पहुँच जाते हैं और सांता उन तीनों को भी देख लेते हैं जो अब जाग चुके थे। बाबा सांता, हम यहाँ हैं, हमें जल्दी से आजाद करो। बाबा और सांता उन तीनों की रस्सी खोल देते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर मीटर मॉन्स्टर आ जाते हैं।